सबसे अहम बात यह है कि जो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो SC ST प्रिवेंशन और एट्रोसिटी एक्ट को डाइवर्ट किया, जिसके ऊपर 2 तारीख को पूरे देश में भारत बंद समाज के लोगों ने और संगठनों ने रखा, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि अनुसूचित जाति जनजाति को कैसा जुर्म हो रहा है। उस आंदोलन में, शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन में, कुछ विरोधी तत्वों ने अंदर घुस के आंदोलनकारियों के ऊपर हमले किए, उनको गोलियों से मारा, उनके ऊपर पत्थर फेंके, और आज मीडिया के द्वारा पता लगा, NDTV के द्वारा, कि बहुत सारे गुंडे आइडेंटिफाई हुए हैं जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नहीं है। जजमेंट आई जिसमें SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया गया, और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई, उससे जो SC ST समाज में असुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, और उसके बाद पूरे समाज के लोगों ने, संगठनों ने मिलकर भारत बंद रखा 2 तारीख को, उस आंदोलन से एक बात और निकली कि उस आंदोलन में बहुत सारे असामाजिक तत्व अंदर घुसे, उन्होंने आंदोलनकारियों पर पत्थर फेंके, उन्होंने आगजनी की, और बहुत से लोगों ने तो गोलियां तक चला के आंदोलनकारियों में से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे आंदोलन को सबोटेज करने की, इसको फेल करने की एक साजिश थी। कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से ये साबित हुई, जो क्लिपिंग्स में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कुछ लोगों को, कि वो जो लोग अराजक तत्व बीच में घुसे वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नहीं थे, वो उस आंदोलन को सबोटेज और बदनाम करना चाहते थे, जिसमें से उन्होंने किया। दूसरी बात, उस आंदोलन के बाद अगले दिन से हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के खिलाफ छोटे मुकदमे दर्ज करके उनको थाने में ले जाकर जानवरों की तरह न केवल पुलिस ने बल्कि गुंडों को बुलाकर वहाँ पिटवाया गया, उनको जेलों में डाल दिया। इस तरह करके पूरे के पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज में असुरक्षा का की भावना पैदा करना, ये देश के हित में नहीं। और जहाँ तक बात रही कि दुरुपयोग की, तो कोई देश में ऐसा कानून नहीं जिसका दुरुपयोग ना हो। वो दुरुपयोग आम आदमी नहीं, सरकारें तक, पुलिस तक दुरुपयोग करके छोटे केस में फंसा के लोगों को जेल में डाल सकते हैं, इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बेकार है, कानून सही है। धारा 182 IPC कहती है कि अगर कोई छोटा मुकदमा बनाता है तो उसको करके सजा दी जाए। जो ऑलरेडी प्रोविजन है, तो इस एक्ट को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं थी। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना मुकदमा ही नहीं बनेगा, अनुसूचित जाति जनजाति को कहने पर तो वैसे ही मुकदमा दर्ज होगा, तो वैसे ही बेचारे धक्के खाते रहते हैं। बड़ी मुश्किल पर मतलब सर हो भी जाए तो उनको डरा धमका के वैसे ही खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात में जो असुरक्षा का माहौल तैयार हुआ है, ये उचित नहीं है। इससे देश में खतरे की आशंका पैदा हो गई है, और देश में 125 करोड़ में से 115 करोड़ लोग आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है केंद्र की सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी से जल्दी वापस पुरानी स्थिति को वापस लाना चाहिए। कोर्ट के माध्यम से ना हो तो फिर वो अध्यादेश ला के या संसद में कानून बना के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को वापस सुरक्षित पहले जैसे माहौल में वापस लाए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सुरक्षा का कवच वापस दे, तो मैं समझता हूँ देश के लिए।